Hello children, today we are going to do the lesson Tom Sawyer's Gang. Now this is class 5th, second lesson from the book Wind Chimes. Now first of all, let us see what is the meaning of adventure. Adventure. Now what is adventure? We must have read some stories, adventurous stories about Hardy Boys. And Alice, Agatha Christie, all these authors. And also there is Mark Twain who writes adventurous stories. Now what is adventure? Adventure means encountering of risks or a bold undertaking or a daring feat. So these are some meanings of adventure, and in adventure there can be loss and also danger. It can be a risky event. So Mark Twain is a writer who is considered to be one of the greatest American men of letters. He is very intelligent and he wrote many novels, stories, short stories, essays, in addition of being a lecturer and a publisher. His literature is a window into the American life of his time. His famous books are Adventures of Tom Sawyer, Adventures of Huckleberry Finn, The Innocents Abroad, Life on Mississippi. And of course the celebrated Jumping Frog of Calaveras Country. तो हम देखते हैं एडवेंचर. ना एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर वो जोखिम भरा काम जिसमें उत्साह हो और साहसिक कार्य होते हैं, जिसमें जोखिम भी रहता है और खतरा भी रहता है. तो इस तरह के खतरे बच्चे उठाना बहुत ही पसंद करते हैं. चलिए अब हम आते हैं टॉम सॉयर्स गैंग की तरफ. ये एक स्टोरी है जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा है. नाउ इन दिस स्टोरी द फर्स्ट वी सी द पिक्चर्स. तो हक इज अ कैरेक्टर एंड टॉम, ये दो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के जो बच्चे हैं. विडो डगलस एंड हर सिस्टर मिस वॉटसन. तो ये दोनों बहनें हैं. आगे हम देखते हैं टॉम एंड हक हेल्प इन कैचिंग टू डेंजरस क्रिमिनल्स. तो टॉम और हक ये दोनों कामयाब होते हैं, हेल्प सहयोग देते हैं, हेल्प सहयोग देते हैं दो खतरनाक मुजरिमों को पकड़वाने में. एंड ऑल्सो डिस्कवर अ पाइल ऑफ ट्रेजर. इसके अलावा इस काम जब ये मुजरिमों को पकड़वाते हैं तो ये भी कामयाब होते हैं खजाना पकड़वाने में, खजाना इनके हाथ लगता है. तो इसके एवज में जज थैचर अवार्ड्स देम $6,000 अ पीस. नाउ अ पीस मीन्स टू ईच ऑफ देम, दोनों को ही $6,000 दिए जाते हैं. दैट विल रिमेन इन द बैंक टिल दे ग्रो अप. तो ये जो पैसा $6,000 दोनों को जो मिलता है, ये सारे बैंक में ही रहेंगे जब तक ये दोनों बड़े नहीं हो जाते हैं. ओके नाउ वी मूव ऑन. हियर विडो डॉगलस अडॉप्ट्स हक. तो विडो मीन्स विधवा. विधवा डॉगलस जो है वो अडॉप्ट करती है हक को. अडॉप्ट करना मीन्स गोद लेना. वो गोद लेती है हक को विथ द इंटेंशन. चिल्ड्रन अंडरलाइन इंटेंशन. इंटेंशन का मतलब होता है इस पर्पस से, इस गोल से कि वो उसे पढ़ाएगी,
teaching him manners. Manners, tehzeeb and culture. Culture, habits and character of a particular society. तो किसी एक society के तहजीब और तौर तरीके को सिखाने में इस उद्देश्य से वो हक को गोद लेती है कि उसे तहजीब और अच्छे व्यवहार सिखा दे. गुड मैनर्स, अच्छे व्यवहार. ओके. इवन विडो डॉगलेस सिस्टर. तो डॉगलेस की जो बहन है वो भी अपने तरफ से कोशिश करती है. ट्राई एज शी माइट. एज शी माइट मीन्स अपने जितने भरपूर प्रयास करती है. कैनॉट गेट हक इंटरेस्टेड इन हिज लेसन्स. तो वो अपने तरफ से भरपूर प्रयास करती है कि हक को उसके पढ़ाई में उसका मन लगा सके. इंटरेस्टेड मतलब पढ़ाई की ओर उसका ध्यान लगा सके. द वुमेन ट्राई टू टीच हक टू प्रे बट देयर स्टोरीज अबाउट हेल ओनली मेक हक वॉन्ट टू विजिट इट बैडली. तो ये दोनों जो बहनें हैं ये प्रयास करती हैं हक को पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, ईश्वर को प्रार्थना करने के लिए. बट देयर स्टोरीज अबाउट हेल. उनकी कहानियाँ, किनकी, इन दोनों बहनों की कहानियाँ हेल की, हेल यानी कि नर्क की. हेल इज अ प्लेस और वेयर हेवन एंड हेल. हेवन इज अ प्लेस वेयर वन गोज व्हेन ही डज गुड थिंग्स एंड हेल इज अ प्लेस वेयर वन सफर्स. सो आफ्टर डेथ इधर वन, या तो इंसान आत्मा या तो स्वर्ग जाती है या तो नर्क जाती है. नर्क में जो जो खराब काम करते हैं वो नर्क जाते हैं और जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं. तो ये जो बहनें दोनों हैं ये अपनी कहानियाँ जो बताती हैं हेल की, जहाँ पे किस तरह से लोगों को दुख मिलता है, इन सब कहानियाँ को जब वो हक को बताती हैं तो हक जो है वो wants to visit it badly. वो बहुत तेज़ी से ये चाहता है कि मैं जाऊँ वहाँ पे और देखूँ कि कैसे वहाँ पे किस तरह का, वो बहुत तीव्रता से चाहने लगता है वहाँ जाने के लिए, देखने के लिए. ओके. मिस वॉटसन इज इन नो मूड टू लेट हक मिंगल विथ टॉम. नाउ मिंगल, मिंगल मीन्स मिक्स करना. तो मिस वॉटसन जो है उनकी कोई मूड नहीं है. नो मूड मीन्स इज इन नो माइंड सेट. उनका ये मन ही नहीं है कि हक को टॉम के साथ मिलने जुलने दिया जाए, क्योंकि शी डजेंट थिंक टॉम इज़ अ वेरी गुड बॉय हु शी थिंक्स इज सर्टेनली नॉट गोइंग टू हेवन. क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचती हैं कि वो बिल्कुल भी हेवन नहीं जाएगा, यानी कि स्वर्ग नहीं जाएगा. हेवन इज़ अ प्लेस वे गॉड रिसाइड्स. इट इज़ अ ब्लिसफुल प्लेस. वहाँ पे शांति होती है, खुशी होती है हेवन में. तो मिस वॉटसन का ये मानना है कि टॉम जो है वो हेवन नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? तो इसीलिए वो चाहती हैं कि हक जो है वो टॉम से ना मिले. एन अपसेट हक डिस्ट्रैक्टेडली फ्लिक्स स्पाइडर इनटू द फ्लेम. तो ये सब बातें सुन करके, और जैसे कि दोनों बहनें मिस वॉटसन और विडो डॉगलेस दोनों चाहती हैं हक के साथ उनका व्यवहार उसके प्रति, हक के प्रति
तो ये सब उसके मन में अंतर द्वंद पैदा कर देते हैं। एंड अपसेट, तो इसके वजह से ही इज अपसेट, अपसेट मीन्स ही इज डिस्ट्रैक्टेड। हक डिस्ट्रैक्टेडली, तो इसी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड है। और फ्लिक्स अ स्पाइडर इनटू द फ्लेम, फ्लिक करना मीन्स किसी चीज़ को फेंक देना, फॉर एग्जाम्पल टू डाइवर्ट अ शॉर्ट क्विक मूवमेंट, स्पेशली अ स्वीप और अ ब्रश, यानी कुछ जैसे कि हम झाड़ देते हैं तो उस तरह से, जैसे यहाँ पे फ्लेम के पास वो स्पाइडर है उसे फ्लिक कर देता है, यानी जोर से फेंक देता है। स्पाइडर इनटू द फ्लेम, फ्लेम यहाँ पे मोमबत्ती जल रही, मोमबत्ती की उसकी लौ में उसे स्पाइडर को फेंक देता है। ही इंस्टेंटली फ्राइटेंड, और जब वो ऐसा करता है तो इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मीन्स एट वंस, एक बार की, ही इज़ फ्राइटेंड, डरा हुआ है एट द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ बैड वुमेन, तो वो इस विचार से डर जाता है कि ये एक बैड ओमेन है, बैड ओमेन। नाउ व्हाट इज ओमेन, ओमेन मीन्स एक प्रिडिक्शन या एक संभावना कि ये एक अच्छी बात नहीं है। सो वी सी दैट हक एंड टॉम, ये दो बच्चे जो हैं, इन दोनों को, दो क्रिमिनल्स को, दो खतरनाक मुजरिमों को पकड़ाने के लिए इन्हें और इनको ढूंढने के लिए, और उसके साथ इन्हें खजाना में ढूंढने के लिए इनको जज थैचर की ओर से एक अवार्ड मिलता है। अवार्ड यानी कि पुरस्कार मिलता है, जो कि $6,000 ईच दोनों को मिलता है। लेकिन ये जो है ये उन लोगों को तभी मिलेगा जब भी दोनों बड़े हो जाएंगे। विडो डॉगलस जो है वो उनकी ये इच्छा है, उन्होंने हक को गोद ले लिया और उनकी ये इच्छा है कि उसे खूब अच्छा तहजीब सिखाएं और उसे अच्छे तौर तरीके सिखाएं। बट हक हेट्स इट, लेकिन हक को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी बहन, विडो डॉगलस की बहन मिस वॉटसन, वो भी प्रयास करती हैं कि उसे पढ़ाएं, उसे शिक्षा दें और इस ओर, शिक्षा की ओर उसके मन लगाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। दोनों बहनें जो हैं उसे प्रार्थना करना सिखाती है, उनकी कहानियाँ स्वर्ग और नर्क की सुन करके हक के मन में ऐसा विचार आता है कि वो जाए और हेल को विजिट करे, यानी गो एंड विजिट हेल। मिस वॉटसन की कोई इच्छा नहीं थी कि हक जाए और जाकर के टॉम से मिले, क्योंकि उनका मानना था कि टॉम बिल्कुल भी स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऐसा मानती थी कि वो एक, उसके काम ऐसे नहीं है कि वो स्वर्ग जाने लायक है। ये सब इस तरह की बातें और सोच हक के मन में अंतर्द्वंद पैदा करता है, जिसके वजह से वो एक मकड़ी को आग की लौ में फेंक देता है, और इससे क्या होता है, और तुरंत वो डर जाता है, इस संभावना से डर जाता है कि ये कहीं एक बैड ओमेन या किसी चीज़ का प्रेडिक्शन ना हो, कि कोई संभावना ना हो कि ये एक किसी खराब का अंदेशा है। आफ्टर दैट, जस्ट आफ्टर मिडनाइट, हक हियर्स मूवमेंट बिलो द विंडो एंड हियर्स अ मियाउ साउंड टू विच ही रिस्पॉन्ड्स विथ अनदर मियाउ। जस्ट आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट मीन्स मिडनाइट इज 12 o'clock at night,
बारह बज के रात जो होती है तब दैट इज़ मिडनाइट, हक हियर्स मूवमेंट बिलो द विंडो, हक को नीचे पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। विंडो के नीचे एंड हियर्स अ मियाउ साउंड, और उसे एक मियाउ जैसे कि बिल्ली बोलती है उस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। टू विच ही रिस्पॉन्ड, ये सुन करके वो उत्तर देता है, रिस्पॉन्ड करना यानी कि ही इन रिटर्न ही रिस्पॉन्ड्स रिप्लाइज विथ अनदर मियाउ, और वो भी इस अपने तरफ से क्या बोलता है, मियाउ। टॉम वेट्स फॉर हक बिलो, तो नीचे कौन खड़ा है, ये मूवमेंट क्या क्यों हो रहा था, क्योंकि टॉम जो है वो नीचे खिड़की के नीचे खड़ा था, उसी के मूवमेंट थी यानी कि वही चल रहा था तभी ये मियाँ आवाज़ हो रही थी, तब उसने मियाँ जैसे किया तो हक ने अपने तरफ से भी मियाँ किया। टॉम वेट्स फॉर हक बिलो, टॉम नीचे खड़ा था हक के लिए। एंड द ग्रेट एस्केप इज फाइनली अंडर फुट, और उसके बाद क्या होता है, एस्केप मीन्स टू गेट फ्री, और ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है हक, वहाँ से निकलने की, पलायन करने की, एस्केप करना यानी टू गेट फ्री, टू मूव अवे फ्रॉम देयर, टू पलायन करना। ओके, नाउ सी हियर वी हैव रेड अबाउट मार्क ट्वेन, ही इज़ द राइटर। ओके, नाउ लेट अस बिगिन द स्टोरी। We went tiptoeing along a path amongst the trees back towards the end of the widow's garden. So we went tiptoeing. Now what is the meaning of tiptoeing? Children, underline tiptoeing. Tiptoeing ka matlab hota hai moving carefully, quietly, as if moving on tips of toes. Tips of toes. Tiptoeing means moving on tips of toes. So now the movement of tips and tiptoeing, it signifies, ये बताता है कि कोई काम चुपचाप से किया जा रहा है, दबे पाँव किया जा रहा है, तो इस तरह के काम दबे पाँव किया जा रहा है। Something along a path, path amongst the trees back towards the end of the windows गार्डन, तो वी वेंट टिप टोइंग, तो हम लोग दबे पाँव अलोंग द पाथ उस रास्ते की ओर गए, अमंग्स ट्रीज तो पेड़ों के बीच से, तो दोनों बगल पेड़ थे उन लोग उनके अमंग्स्ट उन सब के बीच से होते हुए, बैक टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑफ हेड्स, बैक टूवर्ड्स द एंड ऑफ द विडोज गार्डन, बैक पीछे की ओर से होते हुए विडो जो थी इनकी, जहाँ ये रहता था विधवा, इनके गार्डन यानी बाग के पीछे की ओर से होते हुए गए। स्टूपिंग डाउन, स्टूप करना मीन्स झुकते हुए, क्यों झुक रहे थे, क्योंकि उनकी जो टहनियाँ थी वो वुड स्क्रेप आ हेड्स, तो टहनियाँ जो नीचे की ओर झुकी हुई थी वो इतने नीचे तक थी कि सर में वो छू रही थी, और छूने से जब झुकी बहुत ज़्यादा झुकी हुई थी तो उनके छूने से क्या हो सकता था कि सर में वो खरोच कर सकते थे। When we were passing the kitchen, I fell over a root and made a noise. तब जब ये किचन यानी रसोई की ओर से गुजर रहे थे, I fell over a root, मैं एक रूट यानी जड़, रूट किसे कहते हैं, रूट ऑफ अ प्लांट यानी पेड़ की जड़ के ऊपर मेरा पैर चला गया और मैं गिर गया। एंड मेड अ नॉइस, और मैंने आवाज़ निकाली, शोर किया, नॉइस शोर किया। मिस वॉटसन्स बिग सर्वेंट नेम्ड जिम वॉज सेटिंग इन द किचन। नाउ ओवर हियर सेटिंग मीन्स सिटिंग, तो मिस वॉटसन्स बिग सर्वेंट, मिस वॉटसन का जो बड़ा सा सर्वेंट था यानी नौकर था उनका,
उसका नाम क्या था, जिम, वॉज सेटिंग इन द किचन, वॉज सेटिंग, यहाँ पे द राइटर सेटिंग ओवर हियर मीन्स सिटिंग, तो वेर वॉट वॉज ही डूइंग, मिस वॉटसन्स बिग सर्वेंट वॉज सिटिंग इन द किचन डोर, किचन के दरवाजे पे बैठा हुआ था, ही कुड सी हिम प्रिटी क्लियर, वी कुड सी हिम प्रिटी क्लियर, तो उसे हम साफ साफ देख सकते थे, बिकॉज देयर वॉज अ लाइट बिहाइंड हिम, क्यों, क्योंकि उसके पीछे रोशनी थी, ही गॉट अप एंड स्ट्रेच्ड हिज नेक आउट अबाउट अ मिनट लिसनिंग, तो जैसे ही उसने आवाज़ सुनी और जो हमने आवाज़ निकाली, जड़ के ऊपर मेरे पैर लगने से मैं जो गिर गया था, तो मिस वॉटसन का बड़ा सा जो नौकर वहाँ पे बैठा हुआ था रसोई के दरवाजे पे, वो उठ गया, खड़ा हो गया और अपनी गर्दन को बाहर निकाल के, स्ट्रेच्ड हिज नेक, स्ट्रेच्ड मीन्स अपने गर्दन को बाहर की ओर निकाल करके झाँकता हुआ देखा, अबाउट अ मिनट, एक मिनट के लिए, लिसनिंग, ध्यान से सुनते हुए, देन ही सेड, उसके बाद उसने क्या, हुज़ दैट, कौन है, ही लिसन्ड सम मोर, वो फिर से और ध्यान से सुना, देन ही केम टिप टोइंग डाउन एंड स्टूड राइट बिटवीन अस, उसके बाद ही केम टिप टोइंग, नाउ अगेन टिप टोइंग इज यूज मीन्स वो भी दबे पाँव आया और वो आ करके, चूँकि वहाँ पे रोशनी नहीं थी तो दोनों लड़के जो बच्चे खड़े थे, टॉम और हक, इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया, वी कुड हैव टच्ड हिम, तो वो इतने पास इन दोनों के खड़ा हो गया आकर के, वॉटसन जिम आके खड़ा हो गया कि वो इन बिल्कुल छूता हुआ सा प्रतीत हुआ, प्रिटी सून जिम सेड से हू आर यू, प्रिटी सून बहुत जल्दी उसने कहा, कहो तुम कौन हो, व्हाट आर यू, और तुम क्या हो, आई एम श्योर आई हर्ड समथिंग, मुझे बिल्कुल, आई एम श्योर मुझे पक्का विश्वास है कि मैंने कुछ सुना, वेल आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है मुझे पता है मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू सिट डाउन हीयर एंड लिसन टिल आई हीयर इट अगेन, तो मैं यहाँ बैठूँगा और तब तक बैठे रहूँगा जब, और ध्यान से सुनूँगा, टिल ओवर हीयर इज टिल आई हीयर इट अगेन, ताकि मैं फिर से ये आवाज़ सुनूँ, तो चिल्ड्रन टुडे वी विल डू टिल हीयर ओनली, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों बच्चे जो हैं बहुत दबे पाँव आए पेड़ों के पीछे की ओर से आते हुए और उस गार्डन में झुक कर चल रहे थे, क्योंकि जो टहनियाँ थी पेड़ों की बहुत नीचे थी, जिसके वजह से उनके सर पे खरोच आ सकती थी, इसीलिए वो सर को झुका के चल रहे थे, और जब वो रसोई की ओर से, किचन की ओर से गुज़र रहे थे, तो उस समय हक का पैर एक जड़ से फंस गया और उसने शोर किया, मिस वॉटसन का जो नौकर था जिम, वो किचन में दरवाजे के पास बैठा हुआ था, वी कुड, जिसे हम साफ साफ देख सकते थे, क्यों, क्योंकि उसके पीछे रोशनी थी, वो खड़ा हो गया और अपनी गर्दन को बाहर निकाल करके एक मिनट के लिए ध्यान से सुना, उसके बाद उसने पूछा कौन है, ही लिसन्ड सम मोर, कुछ समय और वो सुना, एंड टिपटोड डाउन एंड स्टूड बिटवीन अस, और दबे पांव वो नीचे आ गया और वो दो आ करके बिल्कुल हमारे बीच में आकर खड़ा हो गया, इतना बीच में जैसे वो हमें छूता हुआ सा प्रतीत हुआ, फिर से उसने आवाज़ दी, कहो स्टे से हु आर यू, कहो तुम कौन हो, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, आई श्योर आई हर्ड समथिंग, मुझे पता था कि मैंने ज़रूर कुछ सुना है, आई एम गोइंग टू सिट हियर, मैं यहीं पर बैठूँगा और मैं ध्यान से सुनूँगा जब तक कि मैं कुछ, जब तक मैं फिर से ना सुनूँ, सो चिल्ड्रन टुडे वी विल डू टिल हियर, नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू।